हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज बनाएंगे बोटनेक। तो बोटनेक बनाने के लिए 9-9 इंच दोनों तरफ से ये बुकरम का टुकड़ा लिया है, जिसको डबल फोल्ड में करने के बाद ये चार लेयर में फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसका मेजरमेंट किया है तो ये देखिए 3.5 इंच पर एक निशान लगाया है और 1 इंच ये बढ़ाकर निशान लगाया है, और इस तरफ से भी यहाँ पर 3.5 इंच पर ही एक निशान लगाना है। तो अब इसका ये बॉक्स बना लेना है। तो ये बॉक्स बनाने के बाद में इसके बिल्कुल सेंटर वाले कोने से 1.5 इंच पर ये एक निशान लगाना है, और इसी निशान से दोनों तरफ को इस तरीके से बोट की शेप देनी है। और 1 इंच बाहर की तरफ इस तरीके से भी मार्किंग करनी है, और करनी है इसकी कटिंग। अब देखिए बुकरम की कटिंग हो गई है। कपड़े को भी 4 लेयर में फोल्ड करके रखा हुआ है। 1/2 इंच कपड़े को ज़्यादा लेकर कटिंग करनी है। कपड़े के ऊपर बुकरम को रखने के बाद में कपड़े से इस बुकरम को इस तरीके से कवर कर देना है बाहर की तरफ से। ये देखिए कवर हो गया है, और इसी तरीके से दूसरे गले को भी तैयार कर लेना है। ये कुर्ते में दोनों तरफ बोट नेक बनाया है, तो बीच में एक कट लगा लिया है, और कट लगाने के बाद में कुर्ते को रखना है, बीच में एक निशान लगाना है, और वहीं से इसको एक सिलाई लगा के पहले सेट कर लेना है। और अब सेट करने के बाद में ये बुकरम के सहारे सहारे इस तरीके से सिलाई लगानी है। अभी सिलाई लगाने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करके निकाल देना है, और लगाने हैं छोटे छोटे से कट, जिससे कि अच्छे से ये अंदर को मुड़ जाएगा। बिल्कुल इसी प्रोसेस से हमें दूसरी तरफ भी गला बनाना है। दोनों तरफ से हमने गले को तैयार कर लिया है, और ये इसके शोल्डर को जोड़ना है। देखिए कुछ इस तरीके से जोड़ लेना है इसके शोल्डर को। अब इसको करना है सीधा। सीधा करने के बाद में इसकी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर से एक सिलाई लगानी है, जिससे कि अच्छे से दब जाएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।